सावधानी पूर्वक उतरना पड़ता है दोस्तों, देख के उतरिएगा। झरने का अगर आप शौकीन हैं जाने का तो बहुत ही कठिनाई पूर्वक रास्ता है। कई दोस्तों के हाथ पैर यहाँ पर फ्रैक्चर हुए हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक उतरना दोस्तों। यहाँ पर कई दोस्त लोग जो आ रहे होंगे उन्होंने शायद पिकनिक वगैरह मनाए हैं, लकड़ी वगैरह के देखने से पता चल रहा है। पर दोस्तों साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि देखो यहाँ पर आए तो थे लेकिन मैंने साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है। ये दोस्तों झरने, कितने सुंदर झरने, इसी को बोलते हैं कटुल का सा वाटरफॉल। बरसात में ये झरना और अच्छा देखने लायक रहता है दोस्तों। अभी तो खैर पानी कम हो गया है। जाएंगे जाएंगे, चलो। यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल पेड़ लगे हुए हैं। जामुन के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। अच्छा धीरे धीरे आओ बेटा, चार पाँच साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ आया था। यहाँ से देखिए दोस्तों क्या बहुत बेहतरीन नज़ारा है, कितना सुंदर झरना, वाह। हमारे इस काल के झरनों की बात ही अलग है दोस्तों। नहीं बेटा पानी में बह जाएगी, बहुत तेज बहाव रहता है। देखिए पानी कहाँ से आ रहा है, देखो दोस्तों क्या सुंदर नज़ारा कटुल का सा वाटरफॉल का। बहुत ऊपर से मोतियों की माला की तरह गिर रहे हैं दोस्तों, और अभी भी देखो, देखिए दोस्तों टाइम हो रहा है कब, तकरीबन 10 बजे के आसपास हो रहा होगा समय, और अभी भी यहाँ की पानी जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। कितना ठंडा है बेटा, कितना ठंडा है पानी, बहुत ठंडा है। चप्पल यहाँ छोड़ो, चप्पल को छोड़ो, फिसल जाओगे। और हम लोग का थैला कहाँ रखे हो, वहीं पर रखे होंगे। बहुत ठंडा है, देखो बेटा फिसल जाओगे पानी। इसी कारण से मैं नहीं ला रहा था, समझ में आया। तू भीग गए ना,
देखो अभी मेरी बच्ची पानी पैर रखी और फिसल गई, और क्योंकि पहाड़ी इलाका है दोस्तों और काई वाई यहाँ पर खूब जमा हुआ है, तो बड़े क्या बच्चे भी फिसल सकते हैं, इसलिए बच्चों को ना हिला ही वही बेहतर होगा, क्योंकि अभी मेरी बच्ची यहाँ पर फिसल के गिर गई थी। हाँ मत बेटा, मत आ, यहाँ पर बहुत फिसल है ना। देखो मैं खुद अभी फिसल रहा था, मैं जूता मोजा निकाल दूँ उसके बावजूद भी, तो अच्छे सोल वाले जूते ही पहन के आए दोस्तों, अगर जिनको अगर ट्रैकिंग वगैरह हल्का फुल्का करना है तो यहाँ पर ना करें वही ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही फिसलन वाले होते हैं झरने वाली जगह, इसको हम इनको देख कर ही इसका आनंद ले सकते हैं दोस्तों, इनसे अगर छेड़खानी करेंगे तो हम फिसल के भी गिर सकते हैं, तो कृपया मने झरनों का आनंद देख कर ही ले दोस्तों, और अगर उतरना भी है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक उतरें। तो ये रहा दोस्तों कटुल कसा वाटरफॉल, जो कि हमारे होनहेड़ गांव के लोगों ने एक समिति बनाया है जिसका नाम है कटुल कसा इको पर्यटन समिति। ये वन मंडल केस का छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा यहां पर बैनर वगैरह लगाए गए हैं, जहां पर नशा पान पूर्णतः वर्जित है, गुटखा से